What is up guys, welcome back to my new vlog। बहुत दिनों बाद ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ व्लॉग की। अभी हम जा रहे हैं मैं और बेनीवाल कोच साहब कोर्ट पे झाड़ू लगाने। बहुत ही गंदा कोर्ट हो गया, किसी को कोई मतलब तो रहता है नहीं, ना यूनिवर्सिटी को ना ही बच्चों को, तो कोर्ट पे झाड़ू लगाते हैं। ये तो गिर पड़ गए, टूट टाट गया कुछ तो फिर कांड हो जाएगा। चलो चले झाड़ू लगाने। आज कर्म बुरी भूमि की सफाई होगी, और कोई तो हम ही कर देते हैं भाई। ऐसे शाम में भी ना दिखे पर दोपहर के 12:30 बजे लौंडे लौंडी सब दिख रहे हैं। वैसे ही कोर्ट महान है। बहुत साफ कर दिया यार तूने। थैंक यू। मैं भी कर रहा हूँ यार, मैं सिर्फ ब्लॉग बनाता रह जाऊंगा। कितना धूल है यार, लगाना ही पड़ेगा। ये कुछ पापी भी है ना भाई, सब बार बार गाड़ी खड़ा कर देते हैं इस पे कोर्ट पे। यूनिवर्सिटी के ही तो पापी हैं, वो यहाँ पढ़ाने आते हैं और कोई फंक्शन हो तो इस पे गाड़ी खड़ा कर देते हैं। मोबाइल टीवी मंगा ली हैं। अनबॉक्सिंग कर चल। वाह बहन, इतना छोटा निकला। प्रमोशन तो कर दे, कौन सा बटन दे रहा है? एटम पे। एटम बम। आप मेरा कोड यूज करिए अब। बेनीवाल पक्स। चलो भाई, शाम के 4:30-5 बज गए, अब खेलने का समय हो चुका है। पूरे दिन इसी समय का इंतजार होता है किसका। और कोई काम धंधा तो है नहीं मेरे पे, बोरिंग सा हगा हुआ ब्लॉग बनाना है और खेलने जाना है बस। आजकल तो स्टेडियम में भीड़ भी बहुत हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेला लग रहा हो, इतनी भीड़ हो रही है। कुछ सिनेरियो कुछ कैलकुलेशंस तो फिट हैं, जैसे बास्केटबॉल एग्रीकल्चर गोल्ड ले जाएगा, बैडमिंटन एग्रीकल्चर गोल्ड ले जाएगा, टीटी में मुकाबला, टीटी और वॉलीबॉल में एग्रीकल्चर और बायोटेक के बीच मुकाबला हो सकता है तगड़ा वाला। बाकी कबड्डी में भी मुकाबले होंगे, एग्रीकल्चर पूरे चांसेस है एग्रीकल्चर गोल्ड ले जाएगा कबड्डी में भी, लेकिन तगड़े मुकाबले होंगे। और खो खो में भी एग्रीकल्चर पूरे चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है मुकाबला, लेकिन खो खो भी पूरे चांसेस है एग्रीकल्चर गोल्ड ले जाएगा। एथलेट में एथलेटिक्स सारा माधो निपटा देगा, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, 100 मीटर 200 मीटर जो भी पार्ट ले, रिले वगैरह लॉन्ग जंप उसमें माधो निपटा देगा, सारा बटोर लेगा। बस यही है कि बायोटेक की लड़कियाँ मैच ले जाएंगी, टूर्नामेंट ले जा सकती हैं या फिर ट्रॉफी ले जा सकती हैं बायोटेक की लड़कियाँ। जगह नहीं मिलेगी खेलने को, इतनी भीड़ हो रही है। और जैसे ही स्पोर्ट्स खत्म होगा मेरे अलावा कोई बंदा नहीं दिखेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं लेट क्यों? मैं लड़कियों के टाइमिंग में क्या करूंगा? लड़कियों के टाइमिंग में मैं क्या करूंगा? मैं ये बोल रहा था लड़की है। अरे वो तो सिखा रहा है। मैं ये बोल रहा था
कि 13 तारीख तक बस ये भीड़ दिखेगा। 13 हाँ 13 को बाद नहीं दिखेगा। 14 से सिर्फ मैं ही मिलूंगा कोर्ट पे। आप भी नहीं रहोगे? नहीं आऊंगा, देखते हैं। 14 तारीख को, 14 तारीख को वापस बताएंगे आप लोग को सर दिखेंगे नहीं दिखेंगे। करो भाई प्रैक्टिस करो, वहाँ भी करते रह जाओगे हैं? सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, बताओ। लड़कियाँ खो खो कबड्डी की प्रैक्टिस कर रही हैं। ध्यान से देखिए इन दो सर लोग को, पहले स्टेडियम नहीं आते थे लेकिन जब से यहाँ भीड़ बढ़ा है तब से सब लोग आ रहे हैं, तो हम भी आ रहे हैं भाई। नहीं, नहीं। पड़ता है यार। देखने किसको? देखने भीड़ को? नहीं 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 यार, गेम देखने के लिए। किसका गेम? हाँ बच्चों का, ये सारे किन बच्चों का, कैसे बच्चों का? जैसे एग्रीकल्चर वाले हैं इनको तो मैं वाली वाली वॉलीबॉल वॉली तू समझा? हाँ सर, ये होटल के खिलाफ है, अपने डिपार्टमेंट खिलाफ हो गए ये। अरे अरे आप टीम में नहीं हो? टीम में हो ना, फिर खेल लेना हो तरफ से, इन्हें हराना भी तो है, मोटिवेट करना है ना। मैं क्यों बिगाड़ रहा है यार, इतना प्यार रुक कर रखा था उसने, ज़्यादा अर्पित कर रहा हूँ। अब अलग किल सेगा वो आके। किसका टिफिन? दरवाजा किसका पिट रहा था? उसका था। और जो तूने भी ये किया अंदर कमरे का? उसका नहीं, मैंने किया है सब। हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे।